हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जो हम लोग डेली डोज का वीडियो कर रहे थे उसी में आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो है सार्क, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग डेली डोज में करेंगे। तो डेली डोज एक छोटा सा वीडियो आता है आपको 5 मिनट बहुत ज्यादा से ज्यादा उससे भी कम ही रहता है तो उसमें लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया जाता है तो उसी में हम आज लोग दक्षेस को कवर करेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग दक्षेस के बारे में। दक्षेस क्या है? दक्षेस यानी सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म है। पहला पॉइंट आपको बन गया यहां से पूछेगा जो। दूसरा है कब फाउंडेड, कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 8 दिसंबर 1985 में स्थापना हुई थी। स्थापना याद रखिए आप लोग ढाका में हुई थी। तो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ओके, ये कहाँ है? बांग्लादेश में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल। काठमांडू नेपाल में है जबकि स्थापना ढाका में हुई थी। इतना क्लियर हुआ आपको? अब चलिए मेंबर्स के बारे में देखते हैं। मेंबर्स के बारे में देखेंगे तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। और अभी इसमें एक मेंबर और 2007 में जुड़ा था। 2007 में एक मेंबर और जुड़ा था, अफगानिस्तान 2007 में एक और मेंबर जुड़ा था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अफगानिस्तान की राजधानी और करेंसी के बारे में, कैपिटल और करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है अफगानिस्तान। तो ये 8 कंट्रीज अभी कितनी है मेंबर? 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और उसके बाद अफगानिस्तान। ये 8 जो है कंट्रीज इसकी मेंबर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मालदीव और म्यांमार में कंफ्यूज करता है तो यहाँ पे मालदीव होगा, म्यांमार नहीं है सार्क का सदस्य। तो देखिए ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक होगी आपकी एमबीबीएस पेन। ठीक, एमबीबीएस काफी बड़ा कोर्स होता है, एमबीबीएस पेन, ये आपकी ट्रिक है याद करने की। इसमें से आपको एम से हो जाएगा मालदीव, बी से हो जाएगा भूटान, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, एस से हो जाएगा आपका श्रीलंका, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, आई से हो जाएगा इंडिया और एन से आपका क्या हो जाएगा? एन से आपका हो जाएगा नेपाल। तो ये आपकी ट्रिक थी याद करने की। आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये आज का डेली डोज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको सार्क के बारे में पढ़ाया। और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग बेचू पाठशाला।